जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे हम मोह रात्रि भी कहते हैं, श्री कृष्ण साक्षात श्री जी के पति हैं, यानी कि महालक्ष्मी के पति परमेश्वर हैं। श्री जी जिनके हम अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वता मानते हैं, अगर श्री जी हमारे जीवन में ना हो तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य संभव नहीं है, ना हम खा पाएंगे, ना हम पहन पाएंगे, ना हम कुछ और कर पाएंगे। बिना धन के कोई भी कार्य जीवन के अंदर हो ही नहीं पाएगा। कुछ ऐसी ही व्यवस्था हो गई है हमारे इर्द गिर्द की। इसीलिए श्री हरि को मनाने के लिए जन्माष्टमी की रात्रि, यानी कि जिस रात्रि में वो स्वयं धरती पर प्रकट हुए थे, उस रात्रि में कुछ विशेष उपाय करना तो बनता है भाई। और जिनकी स्वयं पत्नी महालक्ष्मी हो, उन्हें मनाने के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या मिलेगा। इस रात्रि में एक छोटा सा सरल सा उपाय आपको करना है और महालक्ष्मी का वास हमेशा के लिए स्थिर रूप से आपके घर में होने लगेगा। महालक्ष्मी को बहुत ज्यादा चंचला कहा जाता है। महालक्ष्मी का एक रूप होता है अस्थिर लक्ष्मी का, जो कभी टिकती नहीं है, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, कभी इसके पास, कभी इसके पास, तो कभी इसके पास, वो कभी भी किसी एक के पास रह ही नहीं पाती हैं। इसी वजह से उन्हें चंचल कहा जाता है। शायद यही कारण है कि इसी वजह से घर के अंदर महालक्ष्मी की खड़ी प्रतिमाओं को नहीं रखा जाता, हमेशा उनकी बैठी हुई और बहुत आराम से आसन पर बैठी हुई तस्वीर को अपने घर में रखते हैं। ये मैं आपको हर दिवाली पर भी बताती हूँ, लेकिन जन्माष्टमी पर भी इसको मैंने आपको पहले से ही चता दिया है, ताकि आपको ये याद रहे और आप जब भी दिवाली की शॉपिंग करने जाएं, ज़्यादा दूर नहीं है अब दिवाली, तो आप याद रखें इस बात को। चलिए जी, महालक्ष्मी को एक चीज़ अति प्रिय है, वो है हल्दी। उन्हें हल्दी बहुत प्रिय है और हमारे ठाकुर जी को उन्हें भी बहुत हल्दी प्रिय है। तो आज मैं आपको इस रात्रि में रखने वाली एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको रखने मात्र से महालक्ष्मी हमेशा के लिए स्थिर रूप में आपके घर में ठाकुर जी के साथ वास करेंगी करेंगी, अपनी कृपा अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा आप पर बनाकर रखेंगी ही रखेंगी। सब कुछ बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, ये बहुत ज़रूरी है बताना। अगर ये ना बताया तो फिर आप यूं ही सोचोगे, अरे ये तो कहीं से टिप टाप के गूगल पे से देख दाग के बता रही होंगी। नहीं जी, मैंने लगभग अपनी ज़िंदगी के 36 वर्ष इस ज्ञान को दिए हैं, तो इसके आधार पर जो भी मैं आपके लिए अच्छा, बहुत अच्छा निकाल कर ला पाती हूँ, वो लाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए जीवन का सार बताने चली आती हूँ। जन्माष्टमी के दिन अगर आप उपटन के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो ऐसा करने से आपके शरीर के रोगों से, व्याधियों से, नेगेटिविटी से आपको छुटकारा मिलता है। हल्दी का तिलक अगर आप जन्माष्टमी की रात पर सिद्ध कर लेते हैं, अब सवाल ये आएगा कि माँ रात्रि को सिद्ध कैसे करें, बताती हूँ ना, यही बताने तो आई हूँ आपको। एक कटोरी के अंदर शुद्ध हल्दी ले लीजिए और उसको आप किसी लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख लीजिए। आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से 108 बार जाप कर लीजिए। उसके पश्चात आप इस हल्दी के अंदर एक बूंद गंगा जल डाल दीजिए और धूप बत्ती दिखाकर इसे आप किसी डिब्बी में बंद करके रख लीजिए। छोटा सा सरल सा काम है, अभिमंत्रित हो जाएगी। इसे आपको अपने कंठ पर, अपने माथे पर और अपनी नाभि पर नित नियम से यूज करना है। ऐसा करने से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, घर परिवार के लोगों के साथ प्रेम बढ़ता है, आपसी लोगों के साथ हमेशा हम खुश और संपन्न रहते हैं, घर में महालक्ष्मी का वास बना रहता है। जन्माष्टमी की रात्रि को अगर आप एक पीले धागे से 5 गांठ हल्दी की बांधकर हमारे श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा देते हैं और वहीं बैठकर स्फटिक की माला से
लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जाप कर लेते हैं या कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ कर लेते हैं और फिर इस हल्दी को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेते हैं, तो ऐसा करने से महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। बड़े से बड़े कर्जों के अंदर आपको आने वाली जन्माष्टमी तक छुटकारा मिल जाता है, मन वांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन के अंदर सुख वैभव कीर्ति सब आने लगता है। आपको एक छोटी सी चीज है जो आप जन्माष्टमी के दिन सिद्ध करेंगे और अपने पर्स में रख लेंगे, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, अपने पर्स में रख लीजिए। पर्स के अंदर हम फालतू की चीजें बहुत भर के रख लेते हैं, जो काम की भी नहीं है ना वो भी पड़ी रहती है, लेकिन काम की चीज कभी नहीं रखते। पर्स वो जगह है जहां पर हमेशा महालक्ष्मी का वास रहता है। पर्स वो जगह है जहां पर आपकी लक्ष्मी छुपी हुई रहती हैं। पर्स वो जगह है जहां पर आप अपनी महालक्ष्मी को हमेशा के लिए सुरक्षित रूप में रख सकते हैं। तो वहां पर आपको वो सारी चीजें भी रखनी चाहिए जो उन्हें अति विशेष प्रिय हों। तो आपको जन्माष्टमी की रात्रि पर ये छोटा सा सरल उपाय जरूर कर लेना है। एक प्लेट ले लीजिएगा, पिसी हुई एक चम्मच हल्दी रख लीजिएगा, उसके अंदर आप कुछ दाने चावल के रख लीजिएगा, 11, 21, 31, जैसा आप चाहें, खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। 11 बार बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप गूगल पे जाकर या यूट्यूब पे जाकर उसे सुन लीजिए और अपने मन में श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए। उसके पश्चात एक मोर पंख ले लीजिए। मोर पंख को आप उस प्लेट के ऊपर टच नहीं करना है आपको, ऊपर से आप इस तरीके से घुमाएंगे एक लाइन और इस तरीके से, जैसे हम मल्टीप्लाई बनाते हैं, और उसके पश्चात आप अपने सिर पर उस प्लेट को लगाइएगा, भगवान को स्मरण करिएगा, महालक्ष्मी का ध्यान करिएगा और एक छोटे से पाउच के अंदर, चाहे आप प्लास्टिक का ले लीजिए चाहे आप चांदी का ले लीजिए, जैसा आप चाहें, छोटी सी चांदी की डिब्बी के अंदर रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जेंट्स कैसे रख पाएंगे, उन्हें तो दिक्कत आएगी ना, तो वो एक छोटी सी थैली के अंदर इसे बांध कर अपने पर्स में रख लें। आप करके तो देखिए, छोटे से छोटे उपाय होते हैं लेकिन जब जीवन को बदल जाते हैं ना तो इनके चमत्कार अद्भुत होते हैं। और ऐसी रात्रि जिस दिन ठाकुर जी स्वयं हम सबके साथ विराजमान होंगे इस धरती के ऊपर, वहाँ हमें ये छोटे छोटे काम उनके आशीर्वाद को दिलाने में बहुत सहायता करेंगे। करके देखिए, महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में आए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए आप सब मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से और सारथी परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।